हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बेटा करने वाले हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम टू। ऑलरेडी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम वन हमने किया था, वहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्री बनाया था। किसकी बुक में बनाया था? कंसाइनर की बुक में। और कंसाइनी की बुक में क्या कर दिया था? जर्नल एंट्री बनाया था। यहाँ पर भी सेम करेंगे बेटा, जो एक्चुअल में सम होता है जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, यहाँ पर कंसाइनर ही बोला। देखो, फ्रॉम द अबव द पर्टिकुलर नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ राम दास एंड को। हमें किसकी बुक में जर्नल एंट्री बनानी है बेटा? रामदास एंड को। एंड ऑल्सो लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ, क्या लिखा है? कंसाइनर एंड कंसाइनी। एक बात बताओ, कंसाइनर की बुक का तो लेजर अकाउंट बना दे, कंसाइनी का बनाने के लिए हमें इसकी पहले क्या करनी पड़ेगी? जर्नल एंट्री क्या करनी पड़ेगी? बनानी पड़ेगी। क्लियर है बेटा? सबसे पहले यहाँ पर देखो, रामदास एंड कंपनी ऑफ मुंबई कंसाइन 50, यहाँ पर क्या दिया? बंडल्स ऑफ, क्या दिखा यहाँ पर? कट पीस और क्लॉथ 700 ईच। किसको दे रहा है बेटा? मुखर्जी एंड को कलकत्ता। मतलब रामदास एंड कंपनी क्या कर रहा है बेटा? गुड्स दे रहा है। किसको दे रहा है? मुखर्जी। तो रामदास एंड कंपनी अपने लिए क्या हो गया बेटा? कंसाइनर हो गया। और ये मुखर्जी एंड को अपने लिए क्या हो गया बेटा? कंसाइनी हो गया। क्लियर है? ये अपने लिए क्या हो गया? कंसाइनी। मतलब रामदास क्या कर रहा है? गुड्स दे रहा है। किसको दे रहा है? मुखर्जी को। तो रामदास क्या होगा? कंसाइनर हो गया। मुखर्जी क्या हो गया? कंसाइनी हो गया। अभी कितना गुड्स दे रहा है बेटा? 50 बंडल। 50 बंडल मल्टीप्लाई बाय हर एक का प्राइस कितना है? ₹700। तो 7 फाइजा कितना होता है बेटा? 35। और कितना जीरो आया? 3। तो मतलब कितने का गुड्स दे रहा है सर? 35,000 का गुड्स दे रहा है। कौन दे रहा है बेटा? कंसाइनर। तो सर ये फर्स्ट वाली एंट्री हमें याद है, खाली किसकी बुक में आएगी? कंसाइनर की बुक में आएगी, कंसाइनी की बुक में आने वाली नहीं है। जैसा अगर स्टार्टिंग की अगर बात करें तो फर्स्ट वाली एंट्री देखो, गुड्स कंसाइन, तो एंट्री क्या है? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड नॉन कंसाइनमेंट है। क्लियर है? तो ये आ जाएगा बेटा फर्स्ट। इसमें देखोगे कंसाइनी की बुक में कोई भी जर्नल एंट्री पास करनी नहीं है, खाली किसकी बुक में आएगी बेटा? कंसाइनर की बुक में ही क्या पास करनी है? जर्नल एंट्री इसकी पास कर देनी है। क्लियर है? ये दे रहा है बेटा गुड्स सोल्ड ऑन कमीशन बेसिस अ एडवांस। देखो अभी एडवांस कितना आ रहा है, सिंपल सी बात है, हम उसको क्या दे रहे हैं? गुड्स दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? मुखर्जी को। उसके पास से कुछ एडवांस भी लेंगे ना। अ एडवांस ऑफ ₹16,000 वॉज, क्या लिखा है? रिसीव। फ्रॉम किसके पास से रिसीव हो रहा है बेटा? मुखर्जी इनको के पास से क्या कर रहे हैं? एडवांस में पैसा क्या कर रहे हैं? रिसीव कर रहे हैं। क्लियर है? डन। अभी क्या बोल रहे हैं? मुखर्जी इनको सेंड ऑन अकाउंट सेल विच इज अ स्टेट दैट इज अ टोटल ग्रॉस सेल्स, कितने का किया उसने? 56,000 का क्या कर दिया? सेल कर दिया। अरे हमने कितने का गुड्स दिया था? 35,000 का। 56,000 का उसने सेल किया। सेल करते हुए कुछ तो खर्चा हुआ रहेगा। 1800 वॉज पेड ऑन अ कैरेज ऑफ गुड्स रेंट एंड, क्या लिखा है? पोस्ट एक्सपेंस। क्लियर है? ये क्या होगा? कुछ उसका जो मतलब सामान बेचने का कुछ खर्चा हुआ। किसका? मुखर्जी एन को। कौन भर के देगा बेटा? रामदास ही भर के देने वाला है। और यहाँ पर देखो, फ्री में तो काम करेगा नहीं, उसको क्या दे रहे हम? कमीशन दे रहे। कितना दे रहे? ₹2,000 कमीशन दे रहे। द सेंड ऑन अ बैंक ड्राफ्ट फ्रॉम द बैलेंस अमाउंट टू द रामदासन को, मतलब जो भी पैसा हो रहा है उसका क्या बना के दे रहे? डीडी। डीडी का मतलब क्या होता है पता है ना? ड्राफ्ट। ड्राफ्ट बना के दे रहे। आपने कॉलेज में अगर फीस पे करने जाओ तो पता है ड्राफ्ट बना के, मतलब पैसा पूरा का पूरा लेन देन किससे हो रहा है? बैंक से हो रहा है। फ्रॉम द अपो पर्टिकुलर नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ रामदास एंड को। रामदास कौन है बेटा? रामदास अपने लिए कौन है? कंसाइनर। और अपने लिए बेटा मुखर्जी। कौन है बेटा ये? मुखर्जी। अपने लिए कौन है? मुखर्जी। इनको अपने लिए कौन है बेटा? कंसाइनी है। क्लियर है? उन दोनों की बुक में क्या करना है हमें? जर्नल एंट्री बना के सबसे पहले यहाँ पर इन द बुक्स ऑफ रामदास एंड कंपनी, ये मेरे लिए क्या होगा? कंसाइनर हो गया। मुखर्जी इनको मेरे लिए क्या हो गया बेटा? कंसाइनी हो गया। अभी देखो रामदास के अंदर कौन से अकाउंट आते हैं? रामदास का अगर अकाउंट बना रहे उसके अंदर पहले कंसाइनमेंट का अकाउंट आएगा और दूसरा आता है बेटा मुखर्जी का अकाउंट आएगा। अभी मुखर्जी की बुक में किसका नाम आता है बेटा? रामदास का। कंपनी का क्या आता है? नाम आता है। मतलब अपनी बुक में अपना नाम आता नहीं है। क्लियर है? सिंपल सी चीज़ है, सब कुछ समझते हैं। पहले क्या बोल रहे हैं? वेरी फर्स्ट एंट्री क्या दिया है बेटा? रामदास एंड कंपनी ऑफ मुंबई कंसाइन, कितना? 50 बंडल्स ऑफ हर एक का सर 700। तो 35,000 का गुड्स क्या कर रहा है? दे रहा है। कौन दे रहा है? रामदास। क्या दे रहा है? फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या रहेगा बेटा? कंसाइनमेंट अकाउंट क्या रहेगा? डेबिट। कंसाइनमेंट अकाउंट क्या रहेगा? डेबिट। सर कितने का डेबिट रहेगा बेटा? 35,000 का रहेगा। और क्रेडिट में नाम किसका रहेगा? टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट। टू किसका नाम आएगा? गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट का क्या हो जाएगा? नाम आ जाएगा। क्लियर? और यही एंट्री देखो लास्ट में क्या होता है? उल्टा होता है।
कैसे उल्टा होता है सर? ये जो गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट कहाँ चला जाएगा? डेबिट और क्रेडिट में नाम किसका आता है? ट्रेडिंग अकाउंट का नाम आता है, लास्ट में एंट्री होता है, क्लियर है? इसका नरेशन लिखना रहेगा तो बिंग किसका नाम आ जाएगा बेटा? गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, क्लियर है? गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, क्लियर है? आ गया बिंग गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट लिखो तो भी क्या होगा, चलेगा। सेकेंड एंट्री क्या बोल रहे हैं बेटा यहाँ पर, जरा ध्यान से आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा क्या दिया है बेटा यहाँ पर। हो गया अभी अन एडवांस ऑफ रुपीज 16,000 वॉज क्यों दे रहा है बेटा? रिसीव फ्रॉम मुखर्जी एंड को, मतलब एड देखो एडवांस रिसीव किसके पास से रिसीव हो रहा है बेटा? मुखर्जी एंड को के पास से रिसीव हो रहा है। कौन रिसीव कर रहा है बेटा? रामदास। तो रामदास के पास बेटा पैसा आ रहा है कि जा रहा है बेटा? सिंपल सी बात है, रामदास क्या कर रहा है? गुड्स दे रहा है। किसको दे रहा है बेटा? मुखर्जी को। अभी मुखर्जी कुछ तो पैसा देगा, तो मुखर्जी ने एडवांस में पैसा दे दिया। किसको दे दिया बेटा? रामदास को दे दिया। तो रामदास के पास क्या हो रहा है बेटा? पैसा आ रहा है। पैसा आएगा तो एंट्री क्या रहेगा? कैश और बैंक लिखो तो भी चलेगा, या तो बैंक लिखो तो भी क्या होगा, चलेगा, क्लियर है? बैंक अकाउंट क्या रहेगा? डेबिट। और बुक में देखोगे तो कैश और बैंक दोनों लिखा है, तो आपकी मर्जी। बैंक अकाउंट डेबिट लिखना तो बैंक अकाउंट लिखो, या तो कैश और बैंक लिखना है तो आप कैश और बैंक भी लिख सकते हो, क्लियर है? तो यहाँ पर आ जाएगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। और ये पैसा किसके पास से बेटा जा रहा है बेटा? मुखर्जी, मुखर्जी एंड किसके पास है? मुखर्जी एंड को, मुखर्जी एंड कंपनी अकाउंट के पास से क्या हो रहा है? जा रहा है। कितना पैसा जा रहा है बेटा? 16,000 रुपया क्या हो रहा है? जा रहा है। कितना? 16,000 रुपया जा रहा है, देखो, क्लियर है? तो यहाँ पर क्या लिखना है इसका? नरेशन। नरेशन क्या रहेगा? बींग एडवांस रिसीव फ्रॉम, किसके पास से रिसीव हो रहा है बेटा? बींग एडवांस रिसीव फ्रॉम किसके पास से हो रहा है बेटा? मुखर्जी, मुखर्जी एंड को के पास से क्या हो रहा है? एडवांस क्या कर रहा है? रिसीव हो रहा है। और यहाँ पर देखो मुखर्जी पैसा क्या कर रहा है? पे कर रहा है। तो मुखर्जी के पास से पैसा क्या हो रहा है? जा रहा है। तो टू इसके पास से क्या हो रहा है बेटा? कैश और बैंक अकाउंट क्या हो रहा है? जा रहा है। किसके पास आ रहा है बेटा? रामदास एंड को के पास से क्या हो रहा है? पैसा क्या हो रहा है? आ रहा है, क्लियर है? ये मुखर्जी की मुखर्जी के पास से पैसा जा रहा है। किसके पास आ रहा है बेटा? रामदास के पास क्या हो रहा है? पैसा आ रहा है। कितना आ रहा है सर? 16,000 रुपया आ रहा है। सर इसकी बुक में नरेशन रहेगा तो क्या रहेगा? बिंग एडवांस गिवन टू, किसको दे रहा है बेटा? रामदास इनको। हालांकि इसकी बुक में बनाना नहीं है, इसके लिए मैं लिख रहा नहीं हूँ, क्लियर है? तो भी आपको चलो लिख देते बिंग क्या रहेगा? एडवांस क्या कर रहा है ये? पेड टू किसको कर रहा है बेटा? रामदास एंड को, क्लियर है? रामदास एंड को, किसका नाम आ जाएगा? रामदास एंड को का क्या आ जाएगा? नाम आ जाएगा, क्लियर है? डन, ये दोनों में एंट्री हो गया। अभी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं देखो, अभी एडवांस भी हो गया, सब कुछ हो गया। अभी कंपनी सेंड द अकाउंट ऑफ सेल विच वॉज अ टोटल गुड सोल्ड, कितने का किया बेटा? 56,000 का सेल किया। किसने सेल किया बेटा? मुखर्जी के पास गुड्स है, तो मुखर्जी ने क्या कर दिया, मतलब कंसाइनी ने गुड्स सेल किया। कितने का सेल किया बेटा? 56,000 का गुड्स क्या किया? सेल किया। सर सेल किया तो सिंपल सी बात है सर, मुखर्जी ने सेल किया, तो मुखर्जी के पास क्या आने वाला है? पैसा आने वाला है। पैसा आएगा तो एंट्री क्या रहेगा बेटा? सेल किया तो कैश और बैंक अकाउंट क्या रहेगा? डेबिट। पर ये पैसा किसको देना है बेटा? किसको देना है बेटा? रामदास एंड कंपनी को क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 56,000 का क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा, क्लियर है? डन। और इसकी नज़र सोचो, इसके लिए तो क्या हो गया बेटा? रामदास एंड कंपनी के लिए तो क्या हो गया? ये अच्छी बात है ना, उसने सेल किया, सेल किया तो अपने लिए क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पर थर्ड, तो हमें ये पैसा, एक्चुअली ये पैसा किसके पास से लेना है बेटा? मुखर्जी के पास से। तो एंट्री क्या रहेगा बेटा? मुखर्जी, मुखर्जी एंड को अकाउंट क्या रहेगा? डेबिट। कितने का सेल किया बेटा? 56,000 का। टू किसका नाम आ जाएगा बेटा? कंसाइनमेंट का क्या हो जाएगा? नाम आ जाएगा, क्लियर है? सर आपने कैसे ऐसे कैसे लिख दिया, जरा हमको बताया भी नहीं कैसे लिख दिया। देखो यहाँ पर गुड्स क्या कर रहा है बेटा?
सेल कर रहा है तो देखो गुड सेल का एंट्री क्या गया कहाँ गया कहाँ गया। देखो कैश सेल्स बाय कंसाइन, तो एंट्री क्या है बेटा? कंसाइनी। कंसाइनी मतलब अपने लिए कौन है बेटा? मुखर्जी एंड को अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, और इसके पास क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर। कंसाइनर कौन है बेटा? रामदास एंड को का हमने क्या लिख दिया है? नाम लिख दिया है। क्लियर है? अभी जाहिर सी बात है जो भी उसका खर्चा रहेगा बेटा, एक्सपेंस बाय कंसाइनी फॉर अ रिटर्निंग ऑफ गुड्स, मतलब गुड्स का बेचने का जो भी खर्चा रहेगा उसके लिए क्या रहेगा? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, और कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट रहेगा। देखो यहाँ पर देखो सिंपल सा वही बोल रहा है, 800 पेड बाय कैरेज ऑफ गुड्स रेंट, मतलब गोडाउन रेंट एंड पोर्ट्स एक्सपेंस, मतलब 800 कौन पे कर रहा है बेटा? सिंपल सी बात है, सेल किसने किया? मुखर्जी ने। तो ये 1800 कौन पे कर रहा है? मुखर्जी पे कर रहा है बेटा, मुखर्जी पे कर रहा है। तो मुखर्जी के पास से क्या हो रहा है? गुड्स क्या हो रहा है? जा रहा है। क्लियर? सबसे पहले इसका नरेशन लिख देते हैं। तो क्या लिखोगे बेटा यहाँ पर? नरेशन। नरेशन क्या रहेगा? बींग कैश सेल्स ऑन बिहाफ ऑफ, किसके बिहाफ पे के कर रहे हैं बेटा? रामदास एंड को के बिहाफ पे क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे। और यहाँ पर क्या रहेगा? बींग गुड्स सोल्ड बाय कौन कर रहा है बेटा? मुखर्जी। मुखर्जी क्या कर रहा है बेटा? गुड्स को क्या कर रहा है बेटा? सेल कर रहा है। क्लियर है बेटा? डन। अभी वही वाला था, अगर जो भी खर्चा रहेगा बेटा, खर्चा रहेगा पे कौन करेगा बेटा? सेम यही करने वाला है बेटा, रामदास ही पे करने वाला है। तो रामदास के लिए बेटा वो खर्चा क्या रहेगा? लॉस रहेगा। तो एंट्री यहां पर क्या आ जाएगा? कंसाइनमेंट अकाउंट, यही एंट्री उल्टा हो जाएगा। कंसाइनमेंट अकाउंट क्या रहेगा? डेबिट टू किसका नाम आ जाएगा बेटा? मुखर्जी, सॉरी मुखर्जी अकाउंट का क्या हो जाएगा? नाम आ जाएगा। क्लियर है? नाम भी ऐसे ऐसे देते ना बेटा, मुखर्जी एंड को अकाउंट का क्या आ जाएगा? नाम आ जाएगा। क्लियर है? कितना पैसा पे कर रहा था बेटा? 1800। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? 1800 नाम आ जाएगा। इसने क्या किया था? पैसा क्या कर रहा है? ये पे कर रहा है। कौन पे कर रहा है बेटा? मुखर्जी। तो पे कर रहा है तो मुखर्जी के पास से पैसा क्या हो रहा है? जा रहा है टू कैश और बैंक अकाउंट। पैसा क्या हो रहा है? जा रहा है। यही पैसा रिसीव किसके पास से करेगा बेटा? रामदास एंड को अकाउंट का क्या रहेगा? नाम डेबिट रहेगा। कितना पैसा पे कर रहा है सर? 1800। तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा? 1800 रुपीज़ क्या आ जाएगा? आ जाएगा। नरेशन क्या रहेगा बेटा? सेम बींग क्या करेगा? एक्सपेंस पेड ऑन बिहाफ ऑफ, किसके बिहाफ पे कर रहा है बेटा? राम दास एंड को के बिहाफ पे क्या कर रहा है? एक्सपेंस क्या कर रहा है? पे कर रहा है। और यहाँ पर क्या रहेगा? बींग एक्सपेंस इंकर्ड, बींग एक्सपेंस इंकर्ड, किसको ने एक्सपेंस किसका इंकर्ड हुआ बेटा? मुखर्जी मुखर्जी एंड को का क्या हुआ बेटा? एक्सपेंस क्या होगा? इंकर्ड हो गया। बींग एक्सपेंस इंकर्ड और मुखर्जी एंड को अकाउंट क्या करो? लिख दो। क्लियर है बेटा? डन। या तो बिंग एक्सपेंस पेड ऑन चलेगा, जान दो बिंग एक्सपेंस इनकर्ड लिखो तो भी क्या होगा? चलेगा। क्लियर है बेटा? डन। अभी एक्सपेंस हो गया, अभी सिंपल सी बात है हमें उसको क्या देना पड़ेगा? ये किस चीज़ का एक्सपेंस हुआ आपको लिखना? बिंग एक्सपेंस इनकर्ड फॉर्म कैरेज गोडाउन रेंट एंड क्या लिखा आपको लिखना रहेगा? तो पोर्ट एक्सपेंस। क्लियर है? यहाँ पर आपको लिखना है तो लिख सको, बिंग एक्सपेंस इनकर्ड किसका? एक्सपेंस इंकर्ड कैरेज गोडाउन, गोडाउन और किसका था बेटा? पोर्ट एक्सपेंस। ठीक है, डन। तो भी क्या होगा? चलेगा। अभी सारी सी बात है ये सब किया, अभी यहां पर देखो कमीशन कितना दे रहा है बेटा? 2000 रुपया दे रहा है। कौन देगा बेटा? रामदास किसको देगा बेटा? मुखर्जी को देगा। क्लियर है? तो रामदास के लिए बेटा कमीशन, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? जाहिर सी बात है सर, कमीशन देगा। तो रामदास के लिए कमीशन क्या हो गया? लॉस हो गया। तो लॉस कहाँ पर आता है बेटा? डेबिट में। तो डेबिट में नाम बेटा, ये भी एक्सपेंस का पैसा ही पे कर दे, तो उसको ही नाम क्या दिया था बेटा? कंसाइनमेंट अकाउंट क्या दिया था? दे दिया था
तो यहां पर भी क्या रहेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट ही क्या रहेगा, डेबिट रहेगा। टू किसका नाम आ जाएगा बेटा, सेम मुखर्जी का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। क्लियर है? कितना कमीशन दे रहा है बेटा, 2000 रुपया क्या कर रहा है, दे रहा है। और यहां पर क्या रहेगा, सेम इसके लिए तो कमीशन क्या रहेगा, इनकम रहेगा। तो कमीशन का नाम कहां पर आ जाएगा बेटा, क्रेडिट साइड टू किसका नाम आ जाएगा बेटा, कमीशन। और डेबिट में, डेबिट में किसका नाम आ जाएगा बेटा, रामदास एंड को का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा, रामदास एंड को अकाउंट डेबिट टू कमीशन। कितना आ गया बेटा, 2000 आ गया। क्लियर है बेटा, डन। और देखो यहाँ पर सेम हमने, अगर मैं आपको कमीशन का एंट्री भी बता सकूँ यहाँ पर, ये क्लोजिंग स्टॉक प्रॉफिट डेल कंसाइनमेंट रिमिट डिस्काउंट क्लोजिंग स्टॉक, अच्छा यहाँ पर रहेगा नीचे ये देखो कंसाइनी का जो भी एक्सपेंस हुआ था, क्या था, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, और देखो कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैशर बैंक। अभी देखो कंसाइनर का कमीशन एंट्री सेम है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। देखो यहाँ पर क्या रहेगा, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। क्लियर है बेटा, डन। अभी एक बार देख लेता हूँ बेटा, इन्होंने इसका नरेशन क्या लिखा है, बिंग मुखर्जी एंड को रिमिटेड इस बिंग कमीशन ड्यू टू मुखर्जी एंड को। तो यहां पर क्या रहेगा, नरेशन बिंग कमीशन ड्यू ऑन किस पे हो रहा है बेटा, मुखर्जी एंड को, मुखर्जी एंड को अकाउंट मुखर्जी एंड को। क्लियर है बेटा, कमीशन ड्यू यहां पर भी रहेगा बिंग कमीशन रिसीव फ्रॉम किसके पास से रिसीव करेंगे बेटा, रामदास एंड को के पास से क्या करेंगे हम, कमीशन क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। क्लियर है बेटा, डन। अभी देखो यहाँ पर आगे क्या बोल रहे हैं, ये हो गया। अभी जो भी पैसा बचेगा कौन दे देगा बेटा, मुखर्जी किसको दे देगा, रामदास को दे देगा। उसके लिए चलो सबसे पहले फाइन करना पड़ेगा पैसा कितना बचेगा। देखो वन बाय वन करके सारी एंट्री पास करते, किसकी बुक में पास करेंगे बेटा, रामदास की बुक में पास। देखो पहला वाला क्या है, कंसाइनमेंट अकाउंट कहां पर है, डेबिट। कंसाइनमेंट अकाउंट कहां पर है, डेबिट। तो कंसाइनमेंट की कहां लिखेगी, डेबिट साइड। नाम किसका रहेगा, गुड्स और सेंड ऑन कंसाइनमेंट। अमाउंट कितना आ जाएगा बेटा यहां पर, 35,000 आ जाएगा। क्लियर है बेटा, तो कंसाइनमेंट अकाउंट कहां पर है, डेबिट। तो यहां पर हमने रामदास एंड को की बुक में कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट है, तो डेबिट में यहां पर नाम क्या रहेगा, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट कितने का है बेटा, 35,000 का हमने क्या कर दिया, गुड्स हो गया। क्लियर है, डन। अभी आगे देखो पहला फिर कहां पर है, उसके बाद एंट्री क्या है बेटा, कैश और बैंक। हालांकि कैश और बैंक अकाउंट बनाना नहीं है हमें। क्लियर है, मुखर्जी इनको कहां पर है बेटा, क्रेडिट। तो मुखर्जी इनको की कहां लिखेंगे, क्रेडिट साइड। कितना है बेटा, 16,000। तो मुखर्जी इनको की क्रेडिट साइड। नाम किसका रहेगा, बैंक अकाउंट का नाम रहेगा। देखो मुखर्जी इनको कहां पर है, क्रेडिट, तो उसकी क्रेडिट साइड। बाय यहां पर किसका नाम आ जाएगा, कैश और बैंक। और ये किस चीज का पैसा था, एडवांस का पैसा था। कितना पैसा था बेटा, 18,000 था, 16,000 था, 18,000। कितना पैसा था, 16,000 है ना बेटा, एक बार जरा देख लेते हैं यहाँ पर कितना पैसा था, 16,000। तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 16,000 आ जाएगा। क्लियर है बेटा, डन। ठीक है, डन। अभी आगे क्या दिया है बेटा, ये फर्स्ट वाला भी हो गया मुखर्जी। अभी मुखर्जी कहाँ पर है बेटा, डेबिट। तो मुखर्जी की क्या लिखना है, डेबिट साइड। नाम किसका आ जाएगा बेटा, कंसाइनमेंट का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। क्लियर है, देखो मुखर्जी कहां पर है, मुखर्जी कहां पर है, डेबिट। तो मुखर्जी की डेबिट साइड किसका नाम आ जाएगा, कंसाइनमेंट का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। तो मुखर्जी अकाउंट कहां पर था, डेबिट। तो मुखर्जी की कहां पर आ जाएगा, डेबिट साइड आ जाएगा बेटा। यहां पर नाम क्या लिखेंगे, टू कंसाइनमेंट अकाउंट का क्या लिख देंगे, नाम लिख। कितने का सेल किया था इसने, 56,000 का सेल किया। क्लियर है, यहाँ पर लिख सकते आप सेल्स किया। अभी वापिस से आप देखोगे बेटा यहाँ पर कंसाइनमेंट कहाँ पर है,
क्रेडिट तो कंसाइनमेंट की क्रेडिट साइड, नाम किसका रहेगा बेटा मुखर्जी का नाम रहेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट कहाँ पर है क्रेडिट, तो उसकी क्रेडिट साइड बाय किसका नाम रहेगा बेटा मुखर्जी, एंड को का क्या रहेगा नाम रहेगा, क्लियर है बेटा। अमाउंट कितना है 56,000 का क्या दिया गया सेल कर दिया है, क्लियर है हमने। अभी आगे क्या बोल रहे हैं बेटा, ये भी हो गया, अभी ही एक्सपेंस पे किया, कितना पे किया था बेटा 1800 रुपये। कंसाइनमेंट अकाउंट कहाँ पर है डेबिट, तो कंसाइनमेंट की डेबिट साइड, नाम किसका रहेगा मुखर्जी, इनको 1800 रुपये, तो कंसाइनमेंट कहाँ पर बेटा, कंसाइनमेंट कहाँ पर है डेबिट, तो कंसाइनमेंट की कहाँ लिखेगा बेटा डेबिट साइड, सॉरी ये हो गया बेटा, एक मिनट, मुखर्जी इनको कहाँ पर था डेबिट, अभी कंसाइनमेंट कहाँ पर था क्रेडिट, उसकी क्रेडिट साइड लिख दिया। अभी ये एक्सपेंस पे कर रहे थे, एंट्री क्या रहेगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, तो कंसाइनमेंट की कहाँ लिखना है बेटा डेबिट साइड, नाम किसका आएगा मुखर्जी इनको 1800 रुपये आ जाएगा, क्लियर है, तो किसका नाम आ जाएगा मुखर्जी इनको कितना रुपये आ गए 1800 रुपये आ गए, क्लियर। ये किस चीज़ का पे किया बेटा एक्सपेंस, अभी मुखर्जी इनको कहाँ था क्रेडिट, तो उसकी क्रेडिट साइड नाम किसका रहेगा बाई कंसाइनमेंट का क्या आ जाएगा नाम आ जाएगा, बाय किसका नाम आ गया कंसाइनमेंट का क्या आ जाएगा नाम आ जाएगा, क्लियर है। कितना पैसा था बेटा 1800 रुपये था, क्लियर है। और आपकी जानकारी ली थी किस चीज़ का पैसा है बेटा एक्सपेंस का पैसा है, क्लियर है, डन। ये हो गया 1800 वाला, वापिस है सेम एंट्री बेटा, ये कमीशन का पैसा है, तो एंट्री क्या है बेटा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू मुखर्जी एन को, तो कंसाइनमेंट कहाँ पर है डेबिट, तो कंसाइनमेंट की कहाँ लिखना है आपको डेबिट साइड, क्या करना है लिख देना है कंसाइनमेंट कहाँ पर है डेबिट, तो कंसाइनमेंट की कहाँ ले गए डेबिट साइड, तो किसका नाम आ जाएगा बेटा मुखर्जी एन को, तो किसका नाम आ जाएगा बेटा मुखर जी एन को का क्या आ जाएगा, नाम कितना पैसा दे रहे बेटा 2000 रुपये दे रहे, और किस चीज़ का है ये बेटा कमीशन का पैसा है, क्लियर है। यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा कमीशन अकाउंट का क्या आ जाएगा नाम आ जाएगा मुखर्जी इनको कहाँ था क्रेडिट, तो उसकी क्रेडिट साइड बाय किसका नाम आ जाएगा कंसाइनमेंट का क्या हो जाएगा नाम आ जाएगा, क्लियर है। और किस चीज़ का पैसा था कमीशन का पैसा था, कितना था 2000 रुपया था। अभी देखो कितना मुखर्जी कितना पैसा देगा, देखो जाहिर सी बात है मुखर्जी ने कितने का सेल किया बेटा 56,000 का क्या किया है सेल किया, उसमें से उसने 16,000 रुपया क्या करके रखा है एडवांस दे के रखा है, क्लियर है। 56,000 का सेल किया 16,000 एडवांस दे के रखा, मतलब बचा कितना 40,000, 40,000 में से बेटा उसका क्या हो गया 1800 रुपया एक्सपेंस हो गया 2000 कमीशन, मतलब 3,800 रुपया क्या हो गया उसका चला गया, तो कितना देने का बचेगा बेटा 36,200 रुपया पैसा देने का बचेगा, क्लियर। अगर यहाँ पर अगर इसका माइनस करेंगे कितना आएगा बेटा 36,200 रुपीज़ देने का बचेगा, कितना आएगा 36,200 रुपीज़ देने का बचेगा, क्लियर है। तो यहाँ पर नाम क्या रहेगा बाई किसको पैसा देने, अगर देखो कौन पैसा देगा बेटा मुखर्जी, मुखर्जी पैसा देगा, तो मुखर्जी के पास से पैसा क्या होगा जाएगा, किसके पास आएगा बेटा रामदास इन को के पास आएगा। अगर सिंपल सी बात कितना पैसा भी पता चला, देखो 36,200 अभी हमने फाइंड करके पता लगा दिया कि देखो ये हो गया दे सेंड द बैंक ड्राफ्ट ऑन द बैलेंस अमाउंट, बैलेंस अमाउंट कितना है 36,200 आया, पता चला कैसे आया, तो इसका जर्नल एंट्री क्या रहेगा बेटा रामदास की बुक में क्या रहेगा और मुखर्जी की बुक में क्या रहेगा। देखो 36,200 कौन पे करेगा बेटा मुखर्जी, किसको देगा रामदास को देगा, तो रामदास के पास क्या हो रहा है बेटा पैसा आ रहा है, देखो रामदास के पास क्या हो रहा है पैसा आ रहा है पता है ना, तो एंट्री क्या रहेगा कैश और बैंक अकाउंट क्या रहेगा डेबिट, कितना आ रहा है सर 36,200 पैसा आ रहा है, और 36,200 बेटा पैसा किसके पास से जा रहा है बेटा मुखर्जी एंड को के पास से क्या हो रहा है पैसा क्या हो रहा है जा रहा है, क्लियर है। और सेम है इसकी मुखर्जी की तरफ से मुखर्जी के पास लास्ट एंट्री इसकी बुक में, तो लास्ट एंट्री ये क्या कर रहा है पैसा इसके पास से क्या हो रहा है जा रहा है, तो टू कैश और बैंक अकाउंट क्या हो रहा है जा रहा है, और डेबिट में रिसीव कौन कर रहा है बेटा रामदास को अकाउंट के पास क्या हो रहा है पैसा आ रहा है, कितना आ रहा है सर
36,200 रुपीज़ आ रहा है, क्लियर है। यहाँ पर भी 36,200 रुपीज़ आ रहा है, क्लियर है। डन हो गया ये एंट्री। अभी यहाँ पर क्या लिखेंगे, बिंग कैश रिमिटेंस फ्रॉम किसके पास से बेटा, राम मुखर्जी को के पास से क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है, क्लियर है। तो यहां पर भी लिखे कि बीइंग कैश रिमिटेंस टू रामदास एंड को। सर ये एंट्री कहां पर दिया है जरा हमको बता दो। देखो यहां पर कहां गया, ये रहा देखो, कंसाइनी रिमिटेड कैश, मतलब उसका जितना ही पैसा बचा था। एंट्री क्या था, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, और यहाँ पर क्या बेटा, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। अभी देखो हमें एंट्री पास करना है प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। सर कहाँ से पता चलेगा, यहाँ से हमें क्या होगा पता चलेगा। देखो ये वाला कंसाइनमेंट से हमें पता चलेगा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। देखो ये सारा खर्चा कितना था, 35,1800 खर्चा था, और सामने हमने बेचा कितने में बेटा, मुखर्जी ने सामान हमने को कितने में बेच के दिया था, 56,000 में बेच के दिया था। बदले में हमारा खर्चा कितना था खाली, 35,1800, मतलब 35 और 2 कितना होगा, 37 और एक कितना होगा, 38,800। और अपने सामने खर्चा कितना होता, 56,000 का क्या हो गया था, हमने सामान दिया था। तो 0 0 ये कितना आ जाएगा, 10, ये कितना चला जाएगा, 5, 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 2 5 में से 8 जाएगा नहीं, तो यहाँ पर क्या आएगा, 4, यहाँ पर 15, 15 में से जाएगा कितना बचेगा, 7 और ये 4, मतलब 17,200 रुपये का क्या हो रहा है, हमको प्रॉफिट हो रहा है। तो ये प्रॉफिट कितने का हुआ बेटा, 17,200 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो इसको नाम क्या रहेगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा, क्लियर। ये मेरे को क्या हो गया, प्रॉफिट हुआ। कितने का हुआ सर, 17,200 रुपये का प्रॉफिट हुआ। सर प्रॉफिट हुआ तो एंट्री क्या, देखो कंसाइनमेंट अकाउंट है बिटू क्रेडिट में किसका नाम आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। प्रॉफिट हुआ तो एंट्री क्या था, कंसाइनमेंट अकाउंट क्या था, डेबिट, एंट्री नंबर 7। तो एंट्री क्या है बेटा, कंसाइनमेंट अकाउंट क्या है, डेबिट। कितना प्रॉफिट हुआ, 17,200। क्रेडिट में क्या रहेगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। बीइंग क्या लिखना है बेटा, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट हो गया, क्लियर है। अभी लास्ट एक और वाला, यहाँ पर 8 वाला एंट्री बचा। सर कौन सा वाला 8 वाला एंट्री बचा, जो स्टार्टिंग में हमने लिखा था, क्या लिखा था सर, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट, वही एंट्री उल्टा हो जाएगा। यहां पर आ जाएगा बेटा गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट। गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट। और क्रेडिट में कहां ट्रांसफर करेंगे बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करेंगे, हम उसको क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। कितने का गुड्स दिया था बेटा हमने, देखो फर्स्ट वाली एंट्री हमने यहाँ से ही देखे हुए, 35,000 का क्या दिया था गुड्स, मतलब पहली वाली एंट्री थी बेटा, उसी एंट्री को मैंने यहाँ पर पास किया। एंट्री क्या था, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट, उसी को ही मैंने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट का नाम आ जाएगा। अमाउंट कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पर 35,000 आ जाएगा, क्लियर है। यहाँ पर 35,000, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 35,000 आ जाएगा। बिंग क्या रहेगा, गुड्स ट्रांसफर लिखो तो भी चलेगा, बिंग गुड्स ट्रांसफर ठीक है, डन। बिंग गुड्स क्या कर दिया, ट्रांसफर मैंने क्या कर दिया, क्लियर है बेटा, डन। तो ये एंट्री अपना सम क्या हो गया, यहाँ पर खत्म हो गया, क्लियर है। अभी तुम बोलोगे सर सम तो खत्म हो गया, अभी हमने यहाँ पर एक और अकाउंट बनाया, कौन सा बनाया, देखो यहाँ पर रामदास एंड कंपनी का, किसकी बुक में बनाना है बेटा, ये मुखर्जी की बुक में बनाना। तो देखो मुखर्जी की बुक कहाँ गई, देखो यहाँ पर अपना वेरी फर्स्ट यहाँ पर आ जाते, मुखर्जी की बुक में आ जाते। देखो मुखर्जी का पहला नाम कहाँ पर है बेटा, यहाँ पर
सबसे पहले देखो रामदास एंड कंपनी कहाँ पर है, डेबिट, तो उसकी डेबिट में किसका नाम आ जाएगा बेटा यहाँ पर 16,000 रुपये आ जाएगा। रामदास एंड कंपनी कहाँ पर है, डेबिट, तो उसकी डेबिट साइड यहाँ पर टू किसका नाम आ जाएगा, कैश और बैंक अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा टू किसका नाम आ जाएगा, कैश और बैंक अकाउंट का नाम आ जाएगा, अमाउंट कितना आ जाएगा 16,000 रुपये आ जाएगा। क्लियर है, डन। अभी सेम एज अ, उसके बाद क्या है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रामदास एंड को कितना है 56,000, तो रामदास एंड को कहाँ है क्रेडिट, तो उसकी क्रेडिट साइड कितना लिखना है 56,000 रुपीज़ हमें क्या करना है, लिख देना है। क्लियर है, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा उसकी क्रेडिट साइड किसका आ जाएगा बेटा, बाय कैश और बैंक अकाउंट कितना आ जाएगा बेटा 56,000 रुपीज़ क्या हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है, डन, ये एंट्री हो गया यहाँ पर। अभी देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, वापिस से ये हो गया, वापिस से रामदास कहाँ पर है बेटा, डेबिट, तो रामदास की डेबिट साइड कैश और बैंक कितना 1,800 रुपया, तो रामदास कहाँ पर है डेबिट, उसकी डेबिट साइड टू कैश और बैंक कितना दिया गया 18,000, तो टू कैश और बैंक अकाउंट कितना दिया गया 1,800 रुपये दिए गए, तो कितना आ जाएगा 1,800 रुपये आ गया यहाँ पर। अभी वापिस से कहाँ पर दिया गया है, ये देखो रामदास कहाँ पर है डेबिट, उसकी डेबिट साइड कमीशन का 2,000 रुपया दिया गया है, तो क्लियर है यहाँ पर रामदास कहाँ पर है डेबिट, तो उसकी डेबिट साइड टू कमीशन का कितना पैसा दिया गया है 2,000 रुपये दिए गए है। क्लियर है बेटा, डन। अभी उसके बाद आगे देखो रामदास कहाँ पर है बेटा, ये फिफ्थ वाला नंबर आएगा, रामदास कहाँ पर है बेटा डेबिट, तो डेबिट में कितना है 36,200, तो रामदास कहाँ पर है डेबिट, डेबिट में कितना आ जाएगा यहाँ पर 36,200 रुपीज़ आ जाएगा। क्लियर है, तो किसका नाम आ जाएगा, कैश और बैंक अकाउंट का नाम आ जाएगा। क्लियर है, डन। अभी इसी को ही देखो टैली करो कितना आ गया सर, यहाँ पर भी 56,000, इसका टोटल भी कितना आ जाएगा सर 56,000 आ गया सर। कैसे आया देखो ना, ये 0 + 8 करो 10, एक ऊपर चला गया 6, एक 7, 7, 6, 6, 12, कैसे आपको करूँ देखो, ये 16 + 1,800 + 2,000 दोनों में ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 38,200। क्लियर है, डन। ये 0, 0, 8 और 2 कितना हो गया 10, एक ऊपर चला गया 8, 9, 10, 10 और 6, 16, 3, 4 और 5 कितना आ गया सर 56,000 आ गया। क्लियर है, इसी के साथ बेटा क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या हो गया, ख़त्म हो गया। सर काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहा है, अरे डिफ़िकल्ट नहीं है बेटा, जर्नल एंट्री आना चाहिए। क्लियर है, जर्नल एंट्री नहीं आएगा तो आपको पूरा का पूरा सम डिफ़िकल्ट लगेगा, तो मेन है बेटा इसका जर्नल एंट्री करो अच्छे से, इजीली कोई भी सम आए आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है, बाकी सम के अंदर कुछ भी नहीं दिया गया है, हालांकि ये तो बहुत सिंपल टाइप ले रहा हूँ और इसी एग्ज़ाम में सम आते हैं, बस खाली थोड़ा थोड़ा चीज़ें आपको देखना है, तो आशा करूँगा आपको समझ में आ गया रहेगा। और हाथ में देखो जर्नल का, देखो मैं भी यहाँ पर क्या करता हूँ, जर्नल का मेरे हाथ में भी क्या है बेटा, ये जर्नल एंट्री लिखा हुआ है, अगर ये जर्नल एंट्री लिखा हुआ रहेगा सम देखोगे इजीली आपको आएगा, अगर जर्नल एंट्री लिखा हुआ नहीं है तो सम आपको आने के चांसेस नहीं है। आशा करूँगा वीडियो अच्छा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करो, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड कर दो। थैंक यू ऑल माय डियर स्टूडेंट।